श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित झांकियां प्रदर्शित भी की गई, जिनमें TIT स्कूल के बच्चों द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में भव्य झांकियां लगाई गई। वहीं पूरे शहर में इस तरह के कार्यक्रमों में पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। भिवानी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर जगह मंदिरों को सजाया गया व रात के समय मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया व बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ TIT स्कूल की तरफ से जन्माष्टमी उत्सव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने अनेक प्रकार की झांकियों से वहां आने वालों का मन मोह लिया तथा दूसरी तरफ दादरी गेट स्थित प्रणामी मंदिर में भी बच्चों ने झांकियां दिखाई व नाटक भी प्रस्तुत किए। वहीं इस अवसर पर पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त नजर आई। बच्चों ने TIT मिल के मंदिर के प्रांगण के अंदर बच्चों के द्वारा बनाई हुई विभिन्न भगवान श्री कृष्ण के रूप को प्रदर्शित किया है। इसमें आधुनिकता का भी समावेश किया गया है। इसमें भगवान के द्वारा मैसेज भी दिया गया है कि जल संरक्षण हमें कैसे किया जाना चाहिए और अन्न का संरक्षण हम कैसे करें, और भगवान के विभिन्न रूपों को निभाती रूप से बच्चों ने चित्रित किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का 5246वां जन्मदिन है। और ये भी दर्शाया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से देवकी ने आखिरी पुत्र को जन्म दिया और किस प्रकार से उसको बचाया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में माननीय SSP साहब के आदेशानुसार किरोड़ीमल मंदिर के चारों तरफ आने जाने वाले हर रास्ते पर नाका लगाया हुआ है तथा मंदिर के अंदर महिला पुलिस व पुलिस तैनात की गई है। तथा कुछ व्यक्तियों को हमने खास करके किरोड़ीमल मंदिर के आसपास शिविर पासाद में हर व्यक्ति पर नजर रखने के लिए तैनात किए हुए हैं तथा शहर के चारों तरफ मेन जगहों पर SSP साहब के आदेशानुसार नाके लगाए हुए हैं। इसी प्रकार छोटे जो मंदिर वगैरह हैं उनमें भी हमने हर मंदिर में पुलिस प्रोटेक्शन दी हुई है। रविवार को भिवानी में ऑल इंडिया दिव्यांग अधिकार समिति के बैनर तले